हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं ब्राइटन बीच, क्योंकि इस वक्त लंदन में बहुत गर्मी है और ब्राइटन यहाँ का सबसे फेमस बीच है और जनरली लोग गर्मी का मौसम आते ही ब्राइटन की ओर चल पड़ते हैं और हमने भी रुक किया ब्राइटन बीच की ओर। और यहाँ हमें पहुँच कर पता चला कि पूरा लंदन ब्राइटन आ गया है इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। मैंने किसी भी लंदन स्टेशन के बाहर कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। आज ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इतने सारे लोग कहीं किसी स्टेशन पे या किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आए हुए हैं। और बस कुछ ही दूर चलने के बाद हमें बीच का फर्स्ट व्यू मिला और हम लोग को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमें इतना चलना क्यों पड़ रहा है, हम डायरेक्टली बीच पे जंप करना चाहते थे। मगर ये रास्ते एक्सप्लोर करने का भी अपना अलग ही मज़ा है। हम थोड़ा जोश से आगे बढ़ते हुए बीच की तरफ, आप देख ही सकते हो मेरा बेटा भी काफ़ी एक्साइटेड था। वो पिछले पूरे हफ्ते से प्लानिंग कर रहा था कि वी आर गोइंग टू द बीच, सो हियर वी आर इन ब्राइटन। और इस सर्वे से बाहर निकल के जो नज़ारा था, मैं आपको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। इतना सुंदर पानी और बीच और ये जो लाल छतरी आपको दिख रही है, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में, धूप में आप बीच के किनारे हैं, मतलब इससे ज़्यादा रिलीफ और क्या दे सकते हैं। और इस बीच पर अपार्ट फ्रॉम द सी बीच बहुत सारी फन एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि आप फुल डे इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि जेट स्की, सर्फिंग, बोटिंग और बाकी थोड़े बहुत अट्रैक्शंस भी हैं बियॉन्ड द बीच जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन्हीं अट्रैक्शंस में से एक है ब्रिटिश एयरवेज 360 डिग्री व्यू, जो कि एक राइड है। ये राइड आपको पूरे बीच का, ब्राइटन का 360 डिग्री व्यू दिखाती है। इसका जो टिकट है वो है एडल्ट के लिए 18 पाउंड और बच्चों का 8 पाउंड लगता है। और अगर आप लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टिकट पे ग्रुप डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां जाकर भी टिकट के प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगी अभी कि जो ब्राइटन बीच है ये एक पेबल्स बीच है। दो टाइप के बीचेस होते हैं, एक पे जहां पर आपको सैंड मिलती है और एक जहां पेबल्स होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने साथ एक पेयर ऑफ स्लीपर्स रखें, क्योंकि इन पेबल्स पे चलना थोड़ा मुश्किल है। लोग यहाँ पर आकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी लोगों को देखकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये सीन तो बहुत ही अच्छा था कि थोड़ी एज से सब लोग वाटर के अंदर जंप लगा रहे थे। मुझे तो देखकर काफ़ी डर लग रहा था, मगर आई थिंक ये लोग तो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और देखिए कितने ईज से ये यहाँ पर जंप कर रहे थे। और हम लोग भी पहुंच गए थे पानी में एंजॉय करने के लिए। We'll be right back.
और नहाने के बाद थोड़ा सा सन बाथ तो बनता ही है। हमने भी यहाँ पर चेयर पे बैठकर थोड़ा सा सन बाथ लिया। ये चेयर्स यहाँ पर रेंटेड हैं, मैं बता देती हूँ, ये फ्री चेयर्स नहीं हैं। लगभग 5 पाउंड चार्ज किया जाता है इन चेयर्स और टेंट के लिए। थोड़ी देर बीच पे रुकने के बाद फिर हमने रुक किया दूसरी साइड की ओर, जहाँ पर पैलेस पियर करके एक एडवेंचरस पार्क है। ये जो ब्रिज दिख रहा है ये पूरा पैलेस पियर है, और उससे पहले हमने कुछ शॉट्स निकालने की भी कोशिश करी, थोड़ा सा फन एक्टिविटी एट द बीच। और बीच से लगे हुए यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ सी फूड अवेलेबल है, तो अगर आप शौकीन हैं सी फूड के तो यहाँ पर मल्टीपल वैरायटीज हैं। और चलते चलते फाइनली हम पहुँच गए हैं द पैलेस फियर, जो कि एक एडवेंचरस पार्क है। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एडवेंचरस राइड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीच का व्यू है इस पूरे ट्रैक से वो बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पर सीनिक फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग तक रुकते हैं तो यहाँ का सनसेट भी बहुत पॉपुलर है। और हमने यहाँ पहुँच के बहुत सारे पिक्चर्स व्यू निकाले, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, बहुत ही खूबसूरत सीन रहा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. इस एडवेंचर्स पार्क में बहुत सारी राइड्स हैं एंजॉय करने के लिए। कुछ राइड्स का टिकट आप इंडिविजुअली ख़रीद सकते हैं, वैसे एक पैक भी आता है जिसके अंदर सभी राइड्स इंक्लूड होती हैं, वो लगभग 18 पाउंड्स का रहता है, और जिसमें आप मल्टीपल राइड्स पर बैठ सकते हैं।
और ये पेंडुलम राइड यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। जो लोग सी के ऊपर एक राइड लेना चाहते हैं वो इस पेंडुलम राइड में जरूर बैठे। कर हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और हम लोग वापस बीच की तरफ निकल गए। और फाइनली हम लोग पैलेस पेयर के बाहर आ गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ से बाहर निकल के हम लोग थोड़ा सा यहाँ की रोड्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। और इस रोड पर चलते चलते हम पहुंच गए इस बेहतरीन आर्टिस्ट के पास। Not to worry, it's coming good. ब्राइटन एक काफी खूबसूरत बीच है, शहर है, जो कि एक दिन में नहीं घूमा जा सकता। अगर आप टाइम निकाल के यहाँ पर आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर हॉल्ट करें और इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारी वन डे ट्रिप थी तो हम लोग बस थोड़ा सा बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद वापस लंदन की तरफ निकल लिए। और अगर हमें नियर फ्यूचर में ब्राइटन आने का मौका मिला तो हम यहाँ पर ज़रूर आना चाहेंगे और इस सिटी के और पार्ट्स को भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और इसी आशा के साथ मैं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी आपसे विदा लेती हूँ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू, बाय बाय।